भागलपुर में बीते 21 मार्च को दोपहर के करीब 12:30 बजे औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरु नानकपुरा कॉलोनी में एक वृद्ध दंपत्ति के घर में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा घर में घुसकर हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें वृद्ध दंपत्ति के घर से 2.25 लाख रुपये नकद, जेवरात एवं मोबाइल लूटकर लुटेरे भाग गए थे। घटना की सूचना मिलने पर वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम गठित की गई और छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड का उद्भेदन कर लूटे गए सामग्री और नकद के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। उसी बाबत गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर लूटे गए रुपये सोने के आभूषण को गला करके किया हुआ 24 ग्राम का घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने छोटू शर्मा, हीरा लाल शर्मा, रंजीत शर्मा और विकी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं छोटू शर्मा और रंजीत शर्मा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इसके द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और ये 21 तारीख को औद्योगिक थाना क्षेत्र में गुरु नानकपुर पूरा एक कॉलोनी है, वहाँ पे एक वृद्ध दंपति के घर में घुसकर 3 अपराधियों के द्वारा उनको बंधक बना के लगभग 2 लाख रुपये और कुछ गहनों की लूट की गई थी। और उस कांड के उद्भेदन के लिए और अपराधियों की पहचान के लिए श्री अजय कुमार चौधरी SDPO सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जिसमें कि SHO औद्योगिक कौशल, SHO सबौर पवन, SHO बबरगंज प्रमोद, SHO बरारी संजय और SHO बाईपास TOP ओम प्रकाश और हमारे जो DIU के सब इंस्पेक्टर हैं मिथिलेश चौधरी सिकंदर, सब इंस्पेक्टर औद्योगिक थाना क्षेत्र ऐश्वर्या, ASI प्रमोद और ASI पुरुषोत्तम और टेक्निकल सेल के हमारे 2 कांस्टेबल बच्चन और अभिमन्यु की एक टीम थी, जो कि लगातार इस घटना के उद्भेदन के लिए और अपराधियों की पहचान के लिए काम कर रही थी। हम लोगों ने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो CCTV फुटेज थे उनको खंगाला गया और करीब 20-25 लोगों से पूछताछ की गई, जिससे कि अपराधियों की पहचान कर पाने में हम लोग सफल रहे। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने दी है। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की यह रिपोर्ट।